जो बहुत बड़ी थी उसका तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन उसके बाद एक छोटी सुनामी आई थी। उस छोटी सुनामी के अंदर जब ये आई है तो उसके अगले दिन मैं सुबह मेरा गुजर हुआ इस रोड से, तो मैंने ये देखा कि ये समंदर, अब आप देखें कितना नीचे है, कितना नीचे समंदर है। और रोड जो है वो ऊपर आपको जो दरख्तों की वो नज़र आ रही है ना, उसके करीब जाके रोड है। और यहाँ से इसकी ऊंचाई देखिए और इसकी ऊंचाई देखिए, ये जो समंदर की रेती है वो रेती उधर दरख्तों के ऊपर जो है वो जमा थी, तो पानी यहाँ से उछाल करके इतना ऊपर गया है। तो आप इसको मीटर में नापे, वो पानी तो वापस चला गया, लेकिन जो समंदर की रेती है वो ऊपर छोड़ करके आ गया। तो सुनामी को लोग इजी ले लेते हैं हमेशा, जैसे ही कोई हो तो बहुत से लोग वो समंदर की तरफ भागते हैं कि सुनामी आ रही है तो चलो देखो ऊपर से खड़े होके देख लेंगे। तो कभी भी उसके करीब नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे दूर भागना चाहिए। और बहुत से लोग इस उसके ऊपर मरे जो इस शोक के अंदर के सुनामी को देखने के लिए गए और उनको वापसी का मौका नहीं मिला। ऊंचाई पे जाना चाहिए।